रिवाइज करें पब्लिक सेफ्टी एक्ट को। तो देखो बहुत सिंपल सी चार पांच चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, ये जम्मू एंड कश्मीर का कानून है। जैसे कि नॉर्मल स्टेट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चलता है, पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 चलता है, यानी कि ये वाला कानून चलता है जिसके तहत ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का है। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। जनरली हम लोग देखते हैं कि पुलिस जो है वो क्या करती है, एक व्यक्ति क्राइम करता है उसके बाद उसको पकड़ती है। यहाँ पर पुलिस पहले उस व्यक्ति को पकड़ लेती है कि जिससे कि वो आगे चल के क्राइम ना करे। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, इसमें बेल के चांसेस नहीं होते। और इसमें ऑर्डर कौन पास करता है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा या डिविजनल कमिश्नर ऑर्डर जो है वो पास करेगा एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में एक साल के लिए एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, बट अगर जुडिशियल परमिशन मिल जाए, यानी कि अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी, तो एक व्यक्ति को 2 सालों तक हिरासत में लिया जा सकता है। यानी कि सिंपल शब्दों में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक व्यक्ति को 2 सालों तक जो है वो जेल में बंद किया जा सकता है, राइट। और 16 साल या उससे ज्यादा की उम्र के व्यक्ति के अगेंस्ट है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे।